ऐसी अजीम शख्सियत जिनको हम रफ़ी साहब कहकर हम पूरी दुनिया बुलाती है, और उनके संगीत से, उनके शख्सियत से लाखों लोग इंस्पायर हुए हैं, करोड़ों लोग इंस्पायर हुए हैं। उनमें से मैं भी एक नाचीज सा बंदा हूँ, और उनके म्यूज़िक ने न जाने कितने रॉ लोगों को संगीत में आने की प्रेरणा दी है, और बहुत इंस्पायर किया है। और मुझे ये सौभाग्य हासिल हुआ है, खुशनसीबी हासिल हुई है कि आज यहाँ मैं रफ़ी मेंशन में पहली दफ़ा आया हूँ, और ये जो यहाँ पे ये जो नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है, मैं खो गया हूँ, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्योंकि रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी बोलना हमारे बस की बात नहीं है। हम बहुत छोटे हैं, और बस यही है कि अब कुछ ना कुछ दिल से जो भी आपको महसूस होता है या आप फील करते हैं, वो ज़बान से कहना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। और यहाँ पे रफ़ी साहब के अनेकों गानों की एक कहते हैं ना, एक गूंज महसूस मैं कर रहा हूँ। एक एक जो ट्रॉफ़ी देख रहा हूँ उसमें, उससे कौन कौन सा गाना था ये मुझे याद आ रहा है, और बहुत खुश हुआ मैं यहाँ पे आके। मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला उनके जो परिवार है उनको बहुत सुखी रखे। और वही गाना मुझे बड़ा खूबसूरत सा, अनेकों गाने हैं लेकिन एक गाना मुझे याद आ रहा है जो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जाने जानाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। ये गाना मुझे याद आ रहा है, और आइए एक छोटा सा विजिट करते हैं इस खूबसूरत और इस बेमिसाल जगह का। और यहाँ पे मैं अभी ये नेशनल अवार्ड की जो उनकी ट्रॉफी है उसके पास खड़ा हूँ। ये हम किसी से कम नहीं उस गाने के लिए उनको मिली थी, आप देख सकते हैं इसमें, और उसके बिल्कुल साइड में ये पद्मश्री उनको मिला था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे कलाकार थे कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वो पद्मश्री नहीं बल्कि दुनिया में उनके इतने सारे अनेकों फैंस हैं, तो मेरी नज़र में वो विश्व रत्न थे। और आज यहाँ पे आके इतना मज़ा आया कि उसको अल्फाजों में बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके परिवार को खुशियाँ दे, और उनकी थोड़ी सी छाया म्यूज़िकल अल्लाह ताला वो हमें भी नसीब हो, और उनकी शख्सियत से जो लोग मुतासिर हुए हैं वो उनकी शख्सियत का जो असर है अल्लाह ताला वो हर आर्टिस्ट पे पड़े, मुझ जैसे नाचीज़ इंसान पे भी उसका बहुत बड़ा गहरा एक वो है, एक असर है। उनकी पर्सनालिटी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब के किस्से, रफ़ी साहब की छोटी छोटी किस्से जो सुनता हूँ मैं, बहुत इंस्पायर होता हूँ। उन्होंने दुनिया के लिए कितना किया है, छोटे छोटे लोगों के लिए कितनी हेल्प की है, कितना लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है अपनी शख्सियत से, अपने म्यूज़िक से, तो ऐसे बंदे नहीं आते, बहुत कम आते हैं। और अल्लाह ताला हम उनकी शख्सियत से, उनकी गायकी से, उनकी पर्सनैलिटी से ऐसे इंस्पायर होते रहे और दुनिया को खुशियाँ लुटाते रहे। और मुझे लगता है कि पद्मश्री से बहुत आगे थे रफ़ी साहब, और
मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक एक चीज़ को महसूस कर रहा हूँ जो उन्होंने टच की होगी, उनके हाथों ने टच किया होगा। देखिए बड़े खूबसूरत ये नज़ारा है, एक एक पत्थर के सनम, गीत, ताजमहल, रामपुर का लक्ष्मण, अनेकों, और ये उनका एक 20 बिगेस्ट गाने जो 25 गाने जो हैं उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा एक तोहफा उनको पेश किया गया होगा। और मैं देख रहा हूँ इसमें गानों के नाम देख रहा हूँ, एक एक गाना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ज़बान पे आ जाता है। ये रफ़ी साहब का पर्सनल हारमोनियम है जो वो ख़ुद प्ले करते थे, ये उनका तानपुरा है और ये हार्प है सुरमंडल जो वो जिस पर वो रियाज़ करते थे या प्रैक्टिस किया करते होंगे। और ये जो हारमोनियम है वो स्वर्गीय SD मेमन साहब ने उनको तोहफा बतौर पेश किया था और बहुत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप वर्ड सोचने नहीं पड़ते, आप खो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके जज्बात बाहर आते हैं। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यहाँ आने का मुझे एक बहुत ही सुनहरा मौका हासिल हुआ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनके परिवार का कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया और जाने का मौका। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।